स्वागत है आपका रेसलिंग चैंपियन यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे रॉ के बारे में, मतलब रोमन रेंस और जिंदर महल के बीच हुए सेगमेंट के बारे में। क्यों किया अटैक जिंदर महल ने चेयर के साथ और क्या बड़ी पॉसिबिलिटीज हमें देखने को मिल सकती है मनी द बैंक में होने वाले मैच में। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो इस रॉ की स्टार्टिंग में हमें कर्ट एंगल देखने को मिलते हैं, और कर्ट एंगल को इंटरप्ट करती हैं स्टेफनी मैकमैन, और स्टेफनी मैकमैन को इंटरप्ट करते हैं रोमन रेंस। रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियनशिप की बात निकालते हैं, और तभी ही केविन ओवंस आ जाते हैं, और स्टेफनी मैकमैन केविन ओवंस और रोमन रेंस के बीच में मैच रखती है। ये मैच हमें उसी वक्त देखने को मिलता है, लेकिन इस मैच में जिंदर महल इंटरफेरेंस करते हैं और अटैक करते हैं रोमन रेंस को। केविन ओवंस और जिंदर महल अटैक करते हैं रोमन रेंस को, और उसी वक्त सेथ रॉन्स आ जाते हैं रोमन रेंस की हेल्प करने, और एट लास्ट हमें एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है जो होता है सेथ रॉन्स और रोमन रेंस वर्सेस जिंदर महल और केविन ओवंस के बीच। इस मैच में जीत होती है रोमन रेंस और सेथ रॉन्स की। इन जब जीत के बाद वो जा रहे होते हैं, तभी ही जिंदर महल चेयर के साथ अटैक करते हैं सेथ रॉन्स को, और उसके बाद ही अटैक करते हैं रोमन रेंस को। जिंदर महल को सेथ रॉन्स के चेयर मारने का रिवॉर्ड मिल चुका है, मतलब नेक्स्ट रॉ में हमें एक मैच देखने को मिलेगा। ये मैच होगा सेथ रॉन्स वर्सेस जिंदर महल फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। यही हम बात करें रोमन रेंस की, जिंदर महल ने रोमन रेंस को ब्रूटली अटैक किया चेयर के साथ। पॉसिबिलिटी ये भी है कि रोमन रेंस अगले हफ्ते अटैक करेंगे जिंदर महल को, उस मैच के बीच ही। पॉसिबिलिटी ये भी है कि हमें मनी द बैंक में होने वाले जिंदर महल और रोमन रेंस के बीच मैच में स्टिपुलेशन देखने को मिल सकती है, मतलब ये मैच नंबर वन कंटेंडर मैच हो सकता है, मतलब जो भी इस मैच को जीतेगा नंबर वन कंटेंडर बन जाएगा फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप, या ये मैच कोई नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच बन सकता है। हां, जो इस मैच में कोई इंटरेस्ट हो फैंस इसे देखें, नहीं तो ये मैच भी वैसा ही होगा जैसे बैकलैश में समोआ जो रोमन रेंस का हुआ था, फैंस मैच के दौरान उठकर चले गए थे। तो पॉसिबली हमें इस मैच में कोई स्टिपुलेशन देखने को मिल सकती है। तो अगर हम बात करें रोमन रेंस के इंजर्ड होने की, रोमन रेंस अभी बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं हुए हैं, हल्की सी पेन है, और नेक्स्ट रॉ में हमें रोमन रेंस अटैक करते हुए दिखाई देंगे जिंदर महल को विद चेयर। मतलब जैसे जिंदर महल ने रोमन रेंस को क्वालिफाई नहीं होने दिया था मनी द बैंक लैडर मैच में, ऐसे ही रोमन रेंस अगले हफ्ते जिंदर महल को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनने नहीं देंगे। इस सेगमेंट में एक ऐसी बात हुई जिसे सुनकर आप शॉक हो जाएंगे, और वो थी जब जिंदर महल रोमन रेंस को अटैक कर रहे थे, रोमन रेंस को मार रहे थे चेयर के साथ, वो लगातार बैक पर, मतलब वो रोमन रेंस की पीठ पर चेयर मार रहे थे, तब तो कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन जब रोमन रेंस सीधे हुए तब जिंदर महल ने रोमन रेंस की चेस्ट पर चेयर शॉट मारा। मुझे वो चेयर शॉट अनस्क्रिप्टेड लगा। उस चेयर शॉट के बाद, चेस्ट के चेयर शॉट के बाद रोमन रेंस हमें बहुत पेन में दिखाई दिए, और 2-3 सेकंड्स के लिए इसकी सांस रुक गई होगी। अगर आप इस सेगमेंट को WWE के YouTube ऑफिशियल पेज पर देखना चाहते हैं, आपको ये चेयर शॉट नहीं मिलेगा, क्योंकि WWE अनस्क्रिप्टेड चीजें नहीं डालती अपने YouTube चैनल पर। इससे ये तो पक्का है कि ये शॉट अनस्क्रिप्टेड था, लेकिन बाद में रोमन रेंस ठीक हो चुके थे। नेक्स्ट रो में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि रोमन रेंस इस अटैक का बदला कैसे लेंगे जिंदर महल से। आप कमेंट करके बताइए कि अगर रोमन रेंस और जिंदर महल के बीच में कोई स्टिपुलेशन रखनी होगी तो वो कौन सी होगी। तो ये थी आज की वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और WWE की लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें।